अगर लोगों को डराने का दम रखते हैं तो पेड़ की टहनी हिलाने का दम नहीं है क्या आपके अंदर? कुछ है पीछे, पक्का कुछ है। अगर आप उस बच्चे को डरा रहे हैं, आप उसको नजर आ रहे हैं, तो क्या इस मशीन के पास आकर के हमें नहीं बता सकते इसमें लाइट जला करके? तो छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं, उनको हिला के दिखाइए एक बार जोर से, सारे गुब्बारे अलग हो जाएं। खुला चैलेंज करता हूँ यहाँ की अज्ञात अज्ञात और अज्ञात शक्तियों को कि हम सभी लोगों को पत्थर का बना के दिखाइए। हम सभी लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, इस श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है इस जगह। हिंदुस्तान की एक अद्भुत विरासत पिराडू मंदिर, शिल्प कला का ऐसा नमूना जो हिंदुस्तान की गिनी चुनी जगहों पर ही मिलेगा। लेकिन अफसोस, शायद ही आपने इस मंदिर का नाम कभी सुना हो। ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। किसी ने सुना भी होगा तो सिर्फ कहानियों में, उन कहानियों में जो 900 सालों से इस विरासत पर एक श्राप बनकर खड़ी हैं। शाम ढलते ही ये वास्तुकला तालों में जकड़ दी जाती है। इस किर्दंती के साथ कि सूरज ढलने के बाद जहां इंसानों का जाना मना है, कहते हैं अंधेरा होने के बाद यहां जो भी रुका वो पत्थर का बन गया। कुछ है पीछे, पक्का कुछ है। जी हाँ, पत्थर का। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद तमाम पत्थर कभी इंसान थे जिन्होंने मंदिर के कायदे कानून को चुनौती देने की जुर्रत की। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ये कहानियां सच्ची हैं? या फिर सदियों पुराना कलंक, सदियों पुरानी अफवाहें जो बदलते वक्त के साथ लोगों का यकीन बन गई? लोगों की मान्यता अभी भी जिंदा है कि भाई यहाँ रात रुकने से पत्थर बन जाएंगे, तो ये मान्यता अभी चल रही, लोगों में काफी डर है। आज हम चुनौती देते हैं उन कहानियों को। खुला चैलेंज करता हूँ यहाँ की अज्ञात अज्ञात और अज्ञात शक्तियों को कि हम सभी लोगों को पत्थर का बना के दिखाइए। हम सभी लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, इस श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है इस जगह का। उन ताकतों को क्या आप इस पेड़ की टहनी को हिला करके बता सकते हैं क्या आप में ये शक्ति है? उन परंपराओं को। मैं सैयद सुहेल आइलैंड 7 के लिए मैं भी ये चैलेंज करता हूं कि अगर यहां पर कोई भी अज्ञात शक्ति मौजूद है तो मुझे पत्थर में तब्दील करके दिखाएं। जिन्होंने अफवाहों को, जिन्होंने इस खूबसूरत धरोहर को वीरान बना दिया। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की कहानी जो शायद इस देश की बहुत बड़ी विरासत है, लेकिन अफसोस कि लोग वहां जाने से डरते हैं। शाम 6 बजते ही मंदिर के दरवाजे पर ताला जड़ दिया जाता है और यह माना जाता है कि शाम ढलने के बाद यहां जो भी आएगा वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, और पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ आईबीएन 7 की टीम इस मंदिर में है। हमारे साथ बहुत सी घटनाएं घटी, कैमरे पे बहुत सारी तस्वीरें कैद भी हुई, और इस वैज्ञानिक पड़ताल का चौंकाने वाला सच जब सामने आया तो हम भी चौंक पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं एक शापित मंदिर के रहस्य की पड़ताल। रुको,
राजस्थान की जमीन की पहचान है रेत के ये टीले जो हवा के हर झोंके के साथ अपना रुख बदल देते हैं। लेकिन इसी जमीन में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर इतनी पुख्ता बैठ चुकी हैं कि युगों से वो जरा भी नहीं बदली। ऐसी एक कहानी है किराड़ू के मंदिरों की। जिनके बारे में कहा जाता है कि रात के बाद जो भी वहां रुका वो पत्थर में तब्दील हो गया। क्या है इस कहानी की हकीकत, यही तलाशने हम आए हैं राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक छोटा सा कस्बा किराड़ू। वो किराड़ू जो 11वीं शताब्दी तक परमार वंश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज किराड़ू के नाम से ही लोगों के दिलों की दहशत सामने आ जाती है। लोगों में काफी डर है, लोग काफी मतलब रात को मतलब वहाँ कोई रुकने की कोशिश नहीं करता या किसी ने कोशिश नहीं की। लोगों की मान्यता अभी भी जिंदा है कि भाई यहाँ रात रुकने से पत्थर बन जाएंगे। देश की जिस धरोहर पर सैलानियों की भीड़ होनी चाहिए उसके वीरान रास्ते हमसे भी कई सवाल पूछ रहे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन कहानियों पर लोगों का यकीन भी बढ़ता जा रहा था। खौफ वगैरह भूतावली का खौफ है, डर रहे लोग, रात में रुकता ही नहीं बिल्कुल। रात को रुकेगा तो पत्थर चिल्लाते हैं, आहट की आवाज आती है इसमें। क्या वाकई कोई मंदिर श्रापित हो सकता है? अगर नहीं तो फिर मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी किंवदंतियां आज तक क्यों कायम हैं? आज तक किराड़ू को लेकर इतनी बातें, इतनी कहानियां क्यों प्रचलित हैं? किराड़ू पहुंचने से पहले हमारे लिए इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी था, इसलिए हम मिलने पहुंचे डॉक्टर अंजू सुधा से। डॉक्टर अंजू सुधा किराड़ू से जुड़ी कहानियों को भी समझती हैं और किराड़ू के इतिहास को जानती हैं। जिस समय मंदिरों का निर्माण हुआ तब 24 मंदिर जो है, ऐसा जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि 24 मंदिर वहां पर बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 मंदिरों के अवशेष हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मंदिरों की खुदाई पूरी नहीं हुई है, कुछ का प्लेटफॉर्म बाहर नहीं आया है, तो सिर्फ 5 मंदिर जो है वो जीवंत अवस्था में आज की डेट में हमें मिलते हैं, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। किराड़ू में ये माना जाता है कि सुनसान इलाके में रात के समय अगर कोई रह जाता है तो वो पत्थर बन जाएगा, या श्राद्धु का श्राप हुआ था, या किसी स्त्री ने पीछे मुड़ के देखा, तो कुछ इस तरह की किंवदंतियां जो हैं जुड़ गई हैं। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि ऐसी कोई बात जो है वो यहाँ रह। किराड़ू से पहले इंसानों की आखिरी बस्ती है सियानी। इस गांव के हर इंसान की जबान पर है किराड़ू के तमाम किस्से, ऐसे किस्से जिन पर अक्सर भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल था। हमें यकीन दिलाने के लिए गांव में लोगों का बही खाता रखने वाले मोहन सिंह हमें एक सुनसान जगह पर ले गए। कुछ दूर चलने पर एक पत्थर दिखा। मोहन सिंह दावा करने लगे कि ये पत्थर दरअसल गांव की एक कुम्हारिन है जो एक साधु के श्राप को आज तक भुगत रही है। यानी साधु के श्राप के बाद वो महिला पत्थर बन गई थी। यहाँ जो गुरु थे, गुरु गुंदरीनाथ जी महाराज अच्छे भक्त थे वो भगवान के, तो यहाँ आके उन्होंने अपने थोड़ा पहाड़ी के आध बीच में जाके वहाँ अपने उन्होंने धुना लगा दिया। धुना लगाने के बाद उनका जो चेला था, चेले को बोला है, चेला ऐसा है
पंचकणी भिक्षा अगर कोई दे तो लेना। पंचकणी भिक्षा हाँ पंचकणी पांच पैरों से हाँ पांच उंगली से देने वाले हिंदू संस्कृति में पंचकणी भिक्षा का ही महत्व है, देना और लेना। यहाँ का जो राजा था राजा का ऑर्डर था भाई जो कोई साधु संत आए उसको तीन गणी भिक्षा देनी आपको। भिक्षा देने को सब तैयार थे लेकिन वो तीन उंगली से उठा के पंचकणी नहीं दे रही। उसने बोला भाई हमारे गुरु का आदेश है आप पंचकणी भिक्षा दो ना आप तीन कड़ी क्यों उठा। बोला हमारे यहाँ राजा का ऑर्डर है। ये हुआ वो लड़का जो वो था ना उसका चेला वो चेला गया उसको हाथ फेर के उसको बोला तू मेरी बहन है धर्म की और यहाँ हमारे मतलब जो गुरु तपसा पे बैठ गए हैं 12 साल की अगर मैं बीच में जाऊँगा तो ठीक नहीं रहेगा इसलिए आप मुझे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और रस्सी दो। इस औरत ने उनको कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी और लकड़ी दी मतलब रस्सी दे दी और ये अपने जंगल में जाके कुछ लकड़ी वकड़ी काट के सिटी में बेचता था। उसके जो दूर पे आते थे वो अपने गुरु की सेवा में लगा देता था। 12 साल के बाद में जब उसके गुरु की आंख खुली जब उसने पूछा अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य से बात हुई बेटा बोल तब उसकी आंख में आंसू आ गया और उसने अपने रुदन से मतलब गुरु को इस बात बताई कि यहाँ तीन कुणी भिक्षा का कर्म है पंचकणी का है नहीं इस वजह से यह तो पूरा शहर इस तरीके। तो गुरु को उस बात में मतलब उसको क्रोध आ गया। गुरु ने बोला कि कल यहाँ से जो भी कोई है तेरा हेतु मित्र उसको तुम बोलना कि यहाँ से चला जाए। तब वो इसका तो कोई चले का तो कोई दूसरा था नहीं ये कुंभारी थी यही कुंभारी इसको बोला तू बहना ऐसा कर कल मेरे गुरु जो उसने कोफ कर दिया है गुरु पूरा शहर विदूष कर देगा और यहाँ तुझे बचना है तो यहाँ से चली जा अपने बच्चे लेके और यहाँ कोई आवाज़ वगैरह पीछे है तो वापस मत देखना। कुंभारी गई अपने बच्चों गधा वधा लेके आई गधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया कुछ खाने पीने का सामान भी लिया और वो तो वहाँ से चल गई। सुबह जब सूर्य उदय हुआ और उसने गुरु ने तो वो तोमस में आके उसने शराब दे दिया जूना सब सूना पटन सब दटन उसने खुपर था उल्टा मार दिया और वो उससे मतलब कई लोग कई तरीके की बीमारियां पैदा हो गई कुछ लोग पत्थर भी बन गए कुछ नाज हाय 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 की आवाज़ होने लगी। ये तो वहाँ से निकल गई फिर ज़्यादा आवाज़ होने से इसने पीछे तरफ से देखा देखने से ये भी पत्थर हो गए। कौन यकीन करेगा इस कहानी पर? हमने भी नहीं किया और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। करीब 10 किलोमीटर के सफर के बाद हमारी मंजिल सामने खड़ी थी। मंदिर के दरवाजे पर सरकारी बोर्ड लगा है भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए और विदेशी सैलानियों के लिए 200 रुपए की फीस तय है। लेकिन अफसोस यहाँ टिकट खरीदने वाला कोई नहीं था। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और हम बाड़मेर के किराड़ू मंदिर पहुंच गए हैं। वो मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि जो भी शाम ढलने के बाद यहाँ पर रुकता है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाली ताकतें ये नहीं चाहती कि हम उनके इस रास को इस मिथ को दुनिया के सामने लाएं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन हम उस किराड़ू मंदिर में पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर हम शाम बिताएंगे और देखेंगे कि हम इंसान रहते हैं या हम भी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं। शाम ढल रही थी बारिश शुरू हो चुकी थी। और मंदिर के सामने मोर जैसे अंधविश्वास के खिलाफ इस जंग के लिए हमारा स्वागत कर रहे थे। शिल्प कला की एक अद्भुत नुमाइश वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना पत्थरों पर उकेरी गई कलाकारियां हमें कोणार्क मंदिर की याद दिला रही थीं। इस मंदिर की एक झलक देखकर ही हमें यकीन हो गया इसे राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है। लेकिन ये सोचकर दिल कांप सा उठता है कि कुछ अफवाहों ने राजस्थान के इस खजुराहो को सदियों तक हमसे दूर रखा। आखिर क्यों? आखिर कौन सी हैं ये अफवाहें? आखिर कहां से आई? कैसे बनी ये कहानियां?
जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज ढलते ही या तो आप पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं या फिर लाश में। आपको ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन सदियों से किराड़ुओं के इन मंदिरों के बारे में यही कहानियां कही और सुनी जाती हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के ये वो मंदिर हैं जहां सदियों से एक वीराना छाया हुआ है और शाम ढलने के बाद कोई नहीं आता, क्योंकि मान्यता है कि यहां पहुंचते ही सूरज ढलता है और आप या तो पत्थर बन जाते हैं या फिर आपकी मौत हो जाती है। लेकिन आज मैं और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम उन ताकतों को जिन्होंने सदियों से यहाँ पर गांव वालों को डराया हुआ है, ये चैलेंज देते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो हमें या तो पत्थर में तब्दील कर दिखाएं या फिर वो करें जो किसी ने सोचा भी ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य जिनके पास कुछ आधुनिक उपकरण हैं, कुछ ऐसी मशीनें जो अनजान ताकतों की मौजूदगी का पता लगाती हैं, जो बताती हैं कि कहीं आपके आसपास कोई एनर्जी तो नहीं है। शाम ढल रही थी, हमारी टीम ने मंदिर का जायजा लेना शुरू किया। चारों तरफ खंडहर के निशान बिखरे पड़े थे। मंदिर की शायद ही कोई मूर्ति होगी जो खंडित नहीं थी। ये सब कुछ देखकर कई सवाल उठे। अगर इस मंदिर से जुड़ी कहानियां सिर्फ एक अंधविश्वास हैं, तो अब तक उसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों इन कहानियों का सच लोगों के सामने आज तक नहीं आया? गांव के लोगों की कई चेतावनियों के बावजूद हमने इस पहेली को आज सुलझाने का फैसला किया। श्राप की बात हमने सुनी कि एक श्राप यहाँ पर है कि कोई भी अगर यहाँ रुकता है तो वो पत्थर में तब्दील हो जाता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है। आप इसमें बिलीव करते हैं? सर बिल्कुल नहीं। श्राप जो है इंसान का बनाया हुआ है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग इसको कंपेयर कर सकें? आपका क्या सोचना है? देखिए, दादी नानी के जो किस्से होते हैं उनमें इस तरह की कहानियाँ हम लोग अक्सर सुना करते हैं। तो श्राप जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब श्राप हो गया तो नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं उसको हम, और अगर कोई दुआ हो गई तो उसको पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे मैं अपनी मशीनों से उसको जस्टिफाई करके दिखाऊं तो मैं नहीं कर सकता। मशीनों से श्राप का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक मशीन है हमारे पास जिससे हम इस श्राप का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, और वो है हमारे अपने शरीर। क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ जो रुकता है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। तो आज हम चार लोग हैं, हमारे साथ हमारे कैमरामैन हैं और उनका असिस्टेंट है, तो हम छः लोग टोटल हैं यहाँ पर जो आज पूरी रात यहाँ पर रुकेंगे। और अगर वाकई कोई ताकत है, कोई श्राप है, तो शायद हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। ये हमारा शायद आखिरी ट्रांसमिशन होगा, आखिरी बार हम आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हमें इंतजार था सूरज ढलने का, श्याम होने का, उन शक्तियों का जिनके बारे में हर इंसान की जबान पर एक कहानी थी, जिनके डर से जहां इंसानों के कदम नहीं पड़ते थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये भ्रम की बातें होती हैं, और ऐसे ही एक भ्रम को आज हम तोड़ेंगे, और अगर नहीं तोड़ पाए तो कल हम यहां नहीं होंगे, हमारी मूर्ति यहां होगी, क्योंकि जहां जो रात को यहां रुक जाता है तो पत्थर में तब्दील हो जाता है। इस शापित मंदिर में हमारी टीम के साथ आगे जो कुछ भी हुआ उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। क्या है? ए, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई पानी लाने दो यार, कोई पानी है? उधर मैं नेट लगा रहा था तो वो यहाँ तक वो मतलब आया। सर कुछ पीछे से आवाज आई, किसी के चलने की आवाज आई। एक शापित मंदिर, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे मंदिर का रहस्य
जिसके बारे में किंवदंती ये है कि शाम ढलने के बाद जो भी यहां आता है वो पत्थर का बन जाता है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों और कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ आईबीएन 7 की टीम 900 साल पुराने इस रहस्य की तलाश में किराड़ू मंदिर पहुंची। शाम ढल चुकी है, मंदिर में परसा है सन्नाटा। ये खौफ बनकर सारे इलाके में गूंज रहा है। इस तफ्तीश में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्या है? ए, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई पानी लाने दो यार, कोई कहाँ पानी है? उधर मैं नेट लगा रहा था तो वो यहाँ तक वो मतलब आया सर, कुछ पीछे से आवाज आई, आवाज किसी के चलने की आवाज आई। शाम ढल चुकी थी, मंदिर का चौकीदार रोज की तरह दरवाजे पर ताला लगाकर जा चुका था। भीतर सिर्फ हम थे, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम थी। और किराड़ू मंदिर की सदियों पुरानी कहानी ये कि शाम के बाद जो भी यहां रुका वो पत्थर की मूर्ति बन गया। आईबीएन 7 की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम आपके अंधविश्वास को दूर कर सकें, जो मिथ्स आपके दिमाग में, जो भ्रम बैठे हुए हैं उन्हें दूर कर सकें। और उसी सिलसिले में हम किराड़ू मंदिर आए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम ढल चुकी है, रात हो चुकी है, यानी वो वक्त हो गया है जब इंसान पत्थर में तब्दील हो जाता है। मेरे हाथ पांव आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा आप देख सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत रात बाकी है और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं जो हम यहाँ पर करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ की हकीकत क्या है। किराड़ू के इस मंदिर में आज हम कई प्रयोग करने वाले हैं। कुछ आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाएगा, कुछ नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे ताकि वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि हो कि इस मंदिर में वाकई कोई ताकत है या फिर ये महज सदियों पुरानी अफवाह। हमारे साथ होंगे पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य गोविंद और चंद्र प्रकाश फुलारा। ये दोनों ही देश की कई जगहों से ऐसे अंधविश्वास के अंधेरे को दूर कर चुके हैं। किराड़ू मंदिर के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी। सबसे बड़ी बात तो हम आपको कई बार बता ही चुके हैं कि इंसान पत्थर का बन जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यहाँ पे जो भी रुकता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसके अंदर से डर उसको लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे आसपास हमेशा कोई मौजूद है। ऐसी चीज़ों को महसूस करने के लिए एक मशीन है सर, इसको घोस मीटर कहते हैं। घोस मीटर कहते हैं जी। और आप देख सकते हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है द घोस्ट मीटर। अब ये घोस्ट मीटर जो है, यानी कि भूत को मापने वाली मशीन, क्या करती है ये समझाइए जी। सबसे पहली बात कि ये घोस्ट मीटर है, आम जनता अगर इसे समझेगी तो वो यही समझेगी कि भूत को नापने की मशीन, जैसा कि अभी आपने कहा। लेकिन इसका नाम जो पराविज्ञान से संबंधित जितने भी लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने एक नाम अपनी याददाश्त के लिए रखा हुआ घोस्ट मीटर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, भूत पकड़ता है। इसका कार्य है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रेक्टिफाई करना, जस्टिफाई करना, और 5 मिलीगॉस का जो EMF होता है, 5 मिलीगॉस तक का, उसको ये पता लगाता है। चंद्रप्रकाश ने मंदिर के इस गलियारे पर घोस मशीन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने वाले उपकरण का सहारा लिया। और देखना चाहा कि इस मीटर की सुई हिलती है या नहीं। मंदिर के दूसरे गलियारे में गोविंद मौजूद हैं, जिनके पास है K2 मशीन, यानी एक ऐसी मशीन जो अपनी रीडिंग के जरिए ये पता लगाती है कि क्या इंसानों के अलावा भी कोई ऊर्जा वहाँ मौजूद है या नहीं। गोविंद ने हमें बताया कि कुछ देर पहले उनके K2 मीटर पर कोई हरकत दर्ज हुई। आप ये बता सकते हैं कि आप पुरुष हैं या महिला हैं? अगर पुरुष हैं तो 3 लाइट जला करके बताएं, कोशिश कीजिए, भी आपने लाइट जलाई थी इसके अंदर। अगर आप पुरुष हैं तो 3 लाइट जला करके बताइए। रात का पहला प्रहर था और अब तक इन मशीनों पर किसी के होने का कोई सबूत नहीं मिला था।
बीमारी थी एक बेहद सामान्य लेकिन बेहद कारगर प्रयोग की, यानी कुछ गुब्बारे जिन्हें मंदिर के गलियारों में रखा जाएगा। ये गुब्बारों का आइडिया हमारे ये पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो लोग हैं इनका है। सर इससे हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, गुब्बारे फुला के क्या करने की कोशिश है? तो ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर हवा नहीं आती, बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो हम इन बैलून्स को वहाँ पर रखते हैं और देखते हैं अगर डिसलोकेट होते हैं क्या। मंदिर के गर्भगृह में चंद्रप्रकाश और गोविंद ने इस प्रयोग को आजमाना शुरू किया। मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से चंद्रप्रकाश फुलारा यहाँ पर मौजूद सभी अज्ञात शक्तियों को खुला चैलेंज करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी अज्ञात शक्ति मौजूद है तो मेरे सामने कुछ गुब्बारे रखे हैं, उनको थोड़ा सा भी हिला के दिखाइए। पीले रंग के गुब्बारे को मेरे उल्टे हाथ की तरफ घुमा के दिखाइए। चंद्रप्रकाश उन अनजान ताकतों को बार बार चुनौती दे रहे थे। हमें देखना था कि गुब्बारों में कोई हरकत होती है या नहीं। संतरी वाला जो गुब्बारा है मेरे उल्टे हाथ पे, उसे हिला के दिखाइए, उसको और खिसका के दिखाइए संतरी वाले गुब्बारे को जो मेरे उल्टे हाथ पर है, और तेज हिला के दिखाइए। लेकिन तभी एक अजीब सा इत्तेफाक सामने आया। मेरे आगे जो गुब्बारे रखे हैं उन्हें हिला के दिखाइए एक बार जोर से। सभी अज्ञात शक्तियों को इस मंदिर के बारे में जितना भी सुना है हमने, तो छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं उनको हिला के दिखाइए एक बार जोर से। सारे गुब्बारे अलग हो जाए। अचानक एक झटके से वहां मौजूद गुब्बारे अलग अलग हो गए, जैसे उन्हें किसी ने हटा दिया हो। हवा का नामो निशान नहीं था, आसपास कोई पंछी या कोई कीड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन गुब्बारों का बिखर जाना हमारे लिए एक अहम सवाल बन चुका था। मैं कैमरे के पीछे था लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जी, मतलब ये गुब्बारे हमारी सबकी आंखों के सामने, मतलब कैमरा वहां लगा हुआ था उसके सामने ये गुब्बारे उड़ गए। जी, कैसे मुमकिन है? जी सोहेल जी, मैंने आपसे कहा ही था कि कहीं जगह ऐसी देखी पाई गई है, हमने पहले भी ऐसा किया है कि मशीन्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग हैं पराविज्ञान के वो काम आते हैं, क्योंकि इससे भी पता लगता है कि कुछ कोई मौजूदगी किसी शक्ति की यहाँ पर हो सकती है जो इन गुब्बारों को डिसलोकेट कर रही है। तो अगर ऐसा हुआ है तो शायद पत्थर में भी तब्दील होने के लिए हम तैयार हो जाएं। जी, हो सकता है कि हम सब पत्थर हो जाएं, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सबसे बड़ा सबूत तो हम ही सब लोग हैं, मशीन से भी बड़ा सबूत तो हम ही लोग। तो चलिए, अब 12 बजने वाले हैं, आप क्यों उस शक्ति को चैलेंज किया गुब्बारे के लिए और उसने पत्थर में तब्दील कर दिया, तो मेरे ख्याल से हम कैमरे पे अपने दर्शकों के सामने एक बार चैलेंज और करते हैं कि भाई अब हमको पत्थर में तब्दील करो। आइए, इधर आइए थोड़ा सा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी शक्ति है और जैसा भी शराब है, लोग कहते हैं कि यहाँ पत्थर के जाते, तो हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोगों को पत्थर का बना के दिखाइए। मैं भी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से चंद्रप्रकाश फुलारा खुला चैलेंज करता हूँ यहाँ की अज्ञात और अज्ञात शक्तियों को कि हम सभी लोगों को पत्थर का बना के दिखाइए। हम सभी लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, इस शराब से मुक्त होने का समय आ गया है इस जगह का। तो मैं सैयद सुहेल आइवन 7 के लिए मैं भी ये चैलेंज करता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी अज्ञात शक्ति मौजूद है तो मुझे पत्थर में तब्दील करके दिखाइए। ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि हमें अपनी टीम के सदस्य जुबैर की चीख सुनाई पड़ी। ओए, क्या है? क्या हुआ? कोई? कौन? मैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यार। दिमाग दिखाना यार। कुछ नहीं है। बैठ जा। पानी लेकर आइए, पानी। ये सब कुछ कोई ड्रामा नहीं था। जुबैर का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो बार बार ये दावा कर रहा था कि कैमरे की लाइट लगाते वक्त उसे कोई सफेद साया दिखा,
कुछ नहीं, कुछ पानी ला के दो यार, कुछ नहीं है सर, था कुछ नहीं है, मैंने अंधेरे में धोखा हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं है, सामने तो देख रहे हैं, अंधेरे में धोखा हो जाता है। वो मैं लाइट लगाने आया तो सामने मैंने देखा कोई कोई है, तुम्हें कहाँ है, कोई भी नहीं है बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, सब लोग हैं ना, देख जुबेर यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, काप मत, काप मत, काप मत, काप मत, काप मत, कुछ नहीं, घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। क्या तुझे क्या दिखाई दिया? हाँ सर, क्या था? कोई था यहाँ पे, मतलब क्या कैसा था, मतलब वाइट वाइट कुछ था यहाँ पे ना, कभी मतलब मैं राइट लगाने आया तो वो एक तो मतलब बेबस आया और मैं चिल्लाया मैं तो वो तब जाके मतलब किस तरीके से नजर वाइट वाइट था कुछ ना। यकीन करना मुश्किल था, जिस अंधविश्वास को हम हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से यहाँ आए थे, वो अंधविश्वास हमारी टीम के कुछ सदस्यों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। कुछ नहीं, इस जगह पर इधर उधर मैं लाइट लगा रहा था तो वो यहाँ तक वो मतलब आया, जैसे मैंने चलाया वो वापस हो गया, वो वाइट कपड़ों में, वाइट मतलब था बैठ दो। फिर हमने सोचा शायद ऐसा ही कुछ इस मंदिर में आने वाले दूसरे लोगों के साथ भी होता हो, और धीरे धीरे कुछ ऐसी ही घटनाओं ने वहम की शक्ल ले ली। हाँ, इस जगह पर अब कुछ ऐसा लग रहा हम लोगों को आकर के, घोस मीटर का है, ये कहां लगेगा, कुछ अजीब है यहाँ पर, घोस मीटर, लेकिन हम इतनी देर से तो कह रहे थे तो कुछ भी ऐसा था नहीं, कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं है कि वो गिरा और वो डर गया तो उसकी वजह से हमें भी थोड़ा सा घबराहट महसूस, क्योंकि ईमानदारी से मैं भी कहूंगा कि मेरा भी एक एक रुआ जिस्म का खड़ा हुआ है सर, महसूस हो रहा है कि कुछ अजीब तो हो रहा है यहाँ। चलिए तो पता लगा, शायद मुझे लगता है इनको हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अभी जो हादसा हुआ उसके बाद से सभी लोगों को महसूस हो रहा, आप कोशिश देखिए, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ रहें, अलग अलग ना रहें, जाहिर है सब इंसान है तो थोड़ा बहुत खौफ दिल में आ जाता है, बहुत अंधेरा है, कई किलोमीटर तक रोशनी बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से सन्नाटा और ये अंधेरा जो है ना ये सबको परेशान कर रहा है, हावी होता जा रहा है, और रात के जैसे जैसे 12 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं तो चीज़ें थोड़ी डरावनी जरूर होगी। हमारी चुनौती के बाद उन गुब्बारों का यूं हवा में बिखरना, हमारी टीम के सदस्य का डर जाना, ओए क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई कोई है, ये सब कुछ हमारे इरादे कमजोर नहीं कर रहा था बल्कि हमें एक बड़ी तफ्तीश की हिम्मत दे रहा था। सर कुछ पीछे से आवाज आई, आवाज किसी के चलने की आवाज आई, कुछ है पीछे, पक्का कुछ है, इसको मैं आँख का धोखा नहीं मान सकता। मतलब आपने खुद अपनी आँखों से देखा है? हाँ, मतलब इसको मैं आँख का धोखा, अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या? देखिए डिस्क्राइब करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट लाइक अ ह्यूमन इज वॉकिंग। सर बिल पास में आ रहा है, बिल्कुल देखा है मैंने, यही देखा है। हाँ। मैंने यही देखा है। सर आपने देखा ना अभी? कहाँ देखा था आपने? इस जगह पे जुबैर ने यहाँ देखा, मैंने भी यहाँ देखा, और अभी यहाँ अभी इधर, वही भी कह रहा हूँ ना, आग मिचौली सी हो रही है। हम एक शापित मंदिर में हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई किसी श्राप में इतनी शक्ति होती है कि वो 900 साल तक कायम रहे। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं, अभी तक हमारी मान्यता भी यही है, और इसीलिए इसको चुनौती देने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान के किराड़ू मंदिर। यहां हमारी टीम के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं घटी, लेकिन हमारी तफ्तीश हमने रोकी नहीं। सभी अज्ञात शक्तियों को इस मंदिर के बारे में जितना भी सुना है हमने, तो छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं, उनको हिला के दिखाइए एक बार, जोर से सारे गुब्बारे अलग हो जाए। ओए क्या है,
यहाँ तक वो मतलब आया, जैसे मैंने चलाया वो वापस हो गया, वो वाइट कपड़ा, हाँ वाइट मतलब था। दूर दूर तक घना अंधेरा, एक अजीब सी सनसनी में बदलता मंदिर का सन्नाटा, और विज्ञान की कुछ आधुनिक मशीनों के साथ 900 साल पुराने अंधविश्वास को चुनौती। हमारा चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, जिस तरीके से अभी मूवमेंट देखा हमने इस बच्चे का, अगर वाकई में हुआ है तो अब इस सेशन को लेते हैं हम लोग, K2 और EVP सेशन। K2 और EVP सेशन है, EVP सेशन, जिसमें रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है और उसके अंदर प्रेजेंस रिकॉर्ड करने की गॉस मीटर से कोशिश की जाती है, रीडिंग्स नोट करते हैं। K2 मीटर पर अचानक 3 लाइटें जलने लगी, यानि विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे आसपास कोई ऊर्जा जरूर मौजूद थी। तो आप हैं हमारे आसपास, 3 लाइट जला दी, आप 5 लाइट जलाइए, अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, बिल्कुल यहाँ एक मिनट भी ना रुकें, आप 5 लाइट जला के बताइए ना फिर। K2 मीटर का ये प्रयोग अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक गोविंद को मंदिर के पिछले गलियारे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सर कुछ पीछे से आवाज आई, आवाज किसी के चलने की आवाज आई, कुछ है पीछे, पक्का कुछ है। इसको मैं आँख का धोखा नहीं मान सकता, मतलब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? हाँ, मतलब इसको मैं आँख का धोखा, अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या? देखिए डिस्क्राइब करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट लाइक अ ह्यूमन इज वॉकिंग। चंद्र प्रकाश के वहम को दूर करने के लिए हमारी पूरी टीम मंदिर के उसी हिस्से तक जा पहुँची और K2 मीटर दोबारा वहीं पर किसी ऊर्जा के होने का संकेत देने लगा। तो आप हैं यहाँ पर, क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? अगर बात करना चाहते हैं तो इसमें 3 लाइट जला करके हमें बताएं। इसी बीच हमें अपने इर्द गिर्द एक परछाई के मौजूद होने का एहसास हुआ। सर बिल्कुल पास में आ रहा है, बिल्कुल देखा है मैंने, यही देखा है। मैंने यही देखा है सर, आपने देखा ना अभी? कहाँ देखा था आपने? इस जगह पे जुबैर ने यहाँ देखा, मैंने भी यहाँ देखा, और अभी यहाँ, अभी इधर, वही कह रहा हूँ ना, आँख मिचौली सी हो रही है। मोशन सेंसर यानी किसी भी गतिविधि को कैच करने वाला सेंसर और K2 मीटर के सहारे मंदिर के कई हिस्सों की पड़ताल शुरू हुई, लेकिन इस बार किसी भी मशीन पर कोई हरकत नहीं दर्ज हुई। तो अब आप आकर के बताइए ना उस मोशन सेंसर में, ताकि हम जान सके कि आप हैं यहाँ पर वाकई में। मंदिर के दूसरे कोने पर भी हमने कुछ ऐसे ही प्रयोग आजमाए, लेकिन यहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। ये सच है कि वो गुब्बारे हमारी आंखों के सामने बिखर गए। ये भी सच है कि हमें यहाँ कई बार किसी के होने का एहसास जरूर हुआ। ये भी सच है कि K2 मीटर पर एक अजनबी ऊर्जा कैद हुई, लेकिन इन मशीनों ने भी इस मंदिर में किसी और के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया। तो किराड़ू मंदिर में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि सूरज ढलते ही इंसान पत्थर का बन जाता है या उसके साथ बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर अब रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं और हम शाम से यहाँ पर मौजूद हैं। ये दावा आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हम में से कोई भी पत्थर का नहीं बना है। सोहेल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मशीन्स हम अपने साथ लेकर के चले थे तो उनकी जो रीडिंग्स थी वो तो नॉर्मल थी, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि खतरनाक किसी एनर्जी या EMF की तरफ इशारा करे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसका प्रत्यक्ष गवाह मैं भी हूँ। जुबैर के साथ जो हुआ उसने बताया कि कोई खड़ा था वाइट कपड़ों के अंदर, तो क्या होता है हमें कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है, हमने जो देखा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बताता है तो हमारे दिमाग के अंदर उसकी एक इमेज तैयार हो जाती है, हम वही सोचने लगते हैं और जहाँ हम देखेंगे वही चीज़ हमें नज़र आने लग जाएगी। जितनी भी श्राप की बातें हैं वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उनका किसी भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये बेहद खूबसूरत मंदिर है, आप इनको देखने जरूर आइए। किराड़ू के मंदिर पर हमारा प्रयोग कामयाब रहा, न हम पत्थर की मूर्ति में बदले,
ना कोई अनजान साया हमारे सामने आया, यानी वास्तुकला की यह अद्भुत धरोहर इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, महफूज है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अब देखिए, बिना डरे बिना रुके, दिन में भी और रात में भी। कुलधरा का एक सच दुनिया के सामने, सदियों से ये जगह ऐसे ही वीरान पड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? जो भी आएगा तो सुबह मरा हुआ ही पाएगा। ये छोटे पैरों के निशान जो बच्चे के हैं, यहाँ कोई बच्चा मौजूद है? एक निशान है, हम अभी अंदर जा रहे हैं और, तो और भी होगा।